अस्सलाम वालेकुम। आज है 24 दिसंबर सन 2022 और इस वक्त हो रहे हैं तकरीबन शाम के 7। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के एक रेलवे स्टेशन, कराची सिटी स्टेशन पर। जी हाँ, ज़्यादातर कराची को लोग जानते हैं कराची कैंटोनमेंट रेलवे स्टेशन की वजह से, लेकिन यहाँ पर कराची सिटी स्टेशन भी है, लेकिन बहुत ही कम यूज़ होता है ये, बहुत ही कम ट्रेन्स यहाँ से चलती हैं। और आजकल आपको पता ही है कई ट्रेन सस्पेंडेड भी हैं, तो उसकी वजह से आजकल सिर्फ कुछ ही ट्रेन यहाँ से चल रही हैं, जैसे कि फरीद एक्सप्रेस हो गई, या शाह लतीफ़ एक्सप्रेस, या मेहरान एक्सप्रेस। इसके अलावा जो यहाँ से मज़ीद चलने वाली ट्रेन्स थी वो आजकल बंद हैं। आज काफ़ी अरसे बाद, तकरीबन आप कह लें तकरीबन एक महीने बाद मुझे मौका मिल रहा है पाकिस्तान की किसी भी ट्रेन पे सफ़र करने का। लास्ट सफ़र मैंने किया था 15 अब कराची एक्सप्रेस से, कराची से ले कर लाहौर तक, लेकिन उसमें भी मैं व्लॉग नहीं कर सका था क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी। तो आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, काफ़ी अरसे बाद मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। ट्रेन मैंने जो चूज़ की है वो है 37 अब फरीद एक्सप्रेस। जी हाँ, आपने मेरा पिछले से पिछला व्लॉग देखा ही होगा। अभी दो दिन पहले यानी 22 दिसंबर सन 2022 को इसका दोबारा से इफ्तिताह हुआ है, जब ये सस्पेंड हो गई थी फ्लड्स के वक्त। तो सिर्फ दो दिन बाद ही मैं इसमें ट्रैवल कर रहा हूँ। मेरा ट्रैवल होगा आज कराची से लेकर लाहौर तक, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं इसकी बिज़नेस क्लास में ट्रैवल करूँगा। 22 दिसंबर से पहले फरीद एक्सप्रेस में बिज़नेस क्लास नहीं हुआ करती थी, और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है फरीद एक्सप्रेस के लिए और एस जमील एंड कंपनी के लिए जो इसको ओन करती है, कि उन्होंने अपने रेक में बिज़नेस क्लास को इनकॉर्पोरेट किया है। और जो लोधरा से पाकपतन, कसूर, डायमंड ब्रांच लाइन के लोग हैं उनको एक बहुत बड़ी सहूलत दी है। कराची सिटी स्टेशन आने का भी मकसद मेरा यह था कि ट्रेन यहाँ से स्टार्ट होती है तो यहीं से बैठना चाहिए, और उस वक्त रश भी नहीं होता है। आराम से मैं आपको कोच का रिव्यू भी करा दूँगा, क्योंकि जब लोग आ जाते हैं उस वक्त कोचेस का इंटीरियर दिखाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो कराची सिटी स्टेशन में पहुँचा हूँ और बड़े आराम से मैं पहुँच गया हूँ। आपको पता ही है कि कराची में मेरा घर मॉडल कॉलोनी के एरिया में है, और वहाँ से यहाँ आना इतना आसान नहीं है। आप अगर कैब वगैरह करें तो वो 1000 रुपये से भी ज़्यादा किराया लग जाता है, लेकिन मैं जो नई बस शुरू की है सिंध गवर्नमेंट ने, उस पर आया हूँ। रेड बस बिल्कुल हमारे घर के सामने से पिक किया उसने और यहाँ पर ड्रॉप किया सिटी स्टेशन के बाहर, और किराया था सिर्फ 50 रुपये, और बड़ी अच्छी सर्विस थी, नई एसी बस। तो जो लोग ट्रैवल करते हैं अपना मलीर के एरिए से या शारे फैसल से टावर तक, वो ज़रूर इस सर्विस का फ़ायदा उठाएं। तो चलें, अब चलते हैं कोच में और उसका रिव्यू करते हैं इससे पहले कि उसमें रश हो जाए। देखते हैं कि उसका क्या इंटीरियर है, क्या वैल्यू एडिशन है उसमें। तो चलें, फरीद एक्सप्रेस 37 अब में बोर्ड करते हैं। इस वक्त मैं अपनी बिज़नेस क्लास कोच के सामने पहुंच गया हूं, और देखकर बड़ी खुशी हुई है कि मेरी आज सीएनआर कोच है, यानी फरीद एक्सप्रेस के तीनों रेक्स में सीएनआर कोच ही इस्तेमाल हो रही है। फरीद एक्सप्रेस के बाकी रेक के बारे में तो आपको मालूम ही होगा, इसमें दो एसी स्टैंडर्ड की कोचेज हुआ करती थी और बाकी इकॉनमी क्लास की कोचेज हुआ करती थी। अब इसमें दो मज़ीद इकॉनमी क्लास की कोचेस का इजाफ़ा किया गया है, तो टोटल ये 19 कोचेस का लोड हो गया है। तो बहुत ही लंबी ट्रेन हो गई है, इसीलिए इसका लोकोमोटिव सिटी स्टेशन पे प्लेटफॉर्म से बहुत दूर है, तभी मैं अभी उसको देखने नहीं गया हूँ, उसको अपनी बाकी जर्नी में किसी वक्त देखेंगे। इस वक्त आपको स्क्रीन पर जो एसी स्टैंडर्ड क्लास है और इकॉनमी क्लास है उनके किराए स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे। बाकी जो बिज़नेस क्लास है उसका किराया मैं आपको बिज़नेस क्लास के अंदर दाखिल होके और कोच का रिव्यू कराते हुए दिखाऊंगा। तो अब चलें, चलते हैं बिज़नेस क्लास कोच के अंदर और देखते हैं कि क्या चेंजिंग इसमें की गई है। कोच पे चौक से नंबर डला हुआ है BC1 यानी बिज़नेस क्लास 1। तो ये एग्ज़िट गेट है, लेकिन यहाँ से चलें अभी एंटर हो जाते हैं हम।
सबसे पहले एंटर हूँ तो CNR कोचेज़ में। यहाँ पर वॉश बेसन्स मौजूद हैं जहाँ आप हाथ वगैरह धो सकते हैं। CNR CFI 2013, यानी 2013 में ये कोचेज़ इंपोर्ट की गई थी CNR से। उसके बाद कई दफ़ा ये पाकिस्तान के CFI में रिफर्बिश भी हुई हैं। अब चलते हैं, कोच में एंटर होते हैं। सबसे पहले तो सेफ्टी के लिए फायर एक्सटिंग्विशर भी मौजूद है। और फर्श पे आप देखें तो बड़ा अच्छा सा एक कारपेट सा बिछाया गया है, लेकिन ये वुलन कारपेट नहीं है, ये प्लास्टिक का कारपेट है, लेकिन इसकी वजह से एक लुक बहुत अच्छा आ गया है। कंपार्टमेंट मेरा जी है आज, और इसके अंदर जो सीट नंबर है वो 1 है, यानी जी के अंदर टोटल 6 बर्थ्स होती हैं, उसमें से जो 1 नंबर की बर्थ है वो मेरी है। चलें कंपार्टमेंट में एंटर होते हैं और इसको देखते हैं कि क्या इसमें चेंजिंग की गई है। सबसे पहले तो ये एक वुलन रग है, यानी कारपेट टाइप का आप कह लें, और इससे थोड़ी सी फील डेफिनेटली अलग आ रही है, मतलब अच्छा एहसास हो रहा है। लेकिन ये मेरी रिक्वेस्ट होगी एस जमील एंड कंपनी की इंतज़ामिया से कि इस रग को रेगुलरली वैक्यूम कराएं, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा लोग इस पे आएंगे जाएंगे और वैक्यूम ना हो तो इससे थोड़ा रेस्पिरेटरी यानी सांस की प्रॉब्लम हो सकते हैं। अभी तो बिल्कुल साफ़ सुथरा ये लग रहा है, तो वेरी गुड। बिजनेस क्लास CNR कोच का कैबिन वैसे ही है जैसा होता है, कई आपको वीडियोस में दिखा चुका हूँ। 6 लोगों की बर्थ्स होती हैं, 2 ऊपर और दरमियान की दोनों फोल्डिंग बर्थ्स होती हैं। जब दिल चाहे तो इनको खोल भी सकते हैं और जब दिल चाहे तो बंद भी कर सकते हैं। इसके अलावा ये दोनों लोअर बर्थ्स हैं, बैठने के काम आती हैं ज़्यादातर। विंडो के लिए शेड भी है, चाहें तो खोल लें या बंद कर लें। ये जो साइड की स्टडी लाइट्स हैं, ये ज़्यादातर कोचेस की ख़राब ही हो चुकी हैं। अब ये नहीं पता कि इनके ख़राब होने की क्या वजह है, या तो मिस हैंडलिंग है हमारे लोगों की तरफ से या क्या। बहरहाल इसमें एक डस्टबिन भी मौजूद है और साथ ही ये मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, लेकिन अफसोस है कि बंद है, इसमें कोई भी चार्जिंग का ऑप्शन मौजूद नहीं है, ना ही सॉकेट मौजूद है और ना ही USB। तो ये कह लें कि बिज़नेस क्लास का इतना लंबा सफ़र हो तो ये सहूलत तो होनी चाहिए। हैदर भाई काइंडली रेलवे इंतज़ामिया से कहें सर चार्जिंग की सहूलत तो दें। इसके अलावा वॉल्यूम स्विच है, किसी ज़माने में ऐलानात हुआ करते थे, अनाउंसमेंट होती थी जब आपका डेस्टिनेशन स्टेशन आने वाला हो या कोई स्टॉप आने वाला हो, लेकिन अब तो ये बंद है तो इस वजह से वॉल्यूम कंट्रोल का स्विच भी ऐसे ही है। इसके अलावा लैंप स्विच, फैन स्विच, कॉल बटन ये भी मौजूद हैं। सामान रखने के लिए रैक्स हैं, आप अपने सामान इधर रख सकते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त ये है, वेरी गुड। बिजनेस क्लास कंपार्टमेंट का रिव्यू तो कंप्लीट हुआ, अब गैलरी की एक और चीज़ आपको दिखा दूं, वो ये फोल्डिंग सीट्स हैं CNR की, जो नए मॉडल की कोचेज़ हैं। इतने भी नए मतलब नहीं, लेकिन ये कि CNR की 2 मॉडल्स की कोचेज़ आई थी कुछ साल पहले, तो जो शुरू में आई थी उसमें प्रॉपर सीट्स मौजूद हैं गैलरी में, लेकिन जो बाद में आई थी उनमें ये फोल्डिंग सीट्स हैं। तो ये बड़े काम आती हैं जब आपके केबिन में तमाम लोग सो जाएं और आपका दिल ना चाह रहा हो सोने का, तो आप बाहर आके इन फोल्डिंग सीट्स पे बैठ सकते हैं। तो ये हो गया जनाब हमारी कोच का रिव्यू। अब आपको बता दूं कि इसका किराया कितना है और क्या क्या सहूलियात हैं। जी तो फरीद एक्सप्रेस में कराची से लेकर लाहौर तक आजकल प्रोमोशनल फेयर चल रहा है, और वो है 5,900 रुपये बिज़नेस क्लास का। तो मैं कहता हूँ कि बहुत ही सस्ता है, बेशक इसका ट्रेवल टाइम ज़्यादा है, लेकिन ये कि अगर आपने पैसे बचाने तो फरीद एक्सप्रेस में बुकिंग कराएं। 5,900 रुपये आजकल
इतना तो बसेस का किराया भी नहीं होता। बसेस भी जो है वो आजकल 7,000 के करीब चार्ज कर रही हैं, तो बिजनेस क्लास में सबसे सस्ता ऑप्शन आजकल यही है। और इसके साथ साथ आपको मिलेगा इसमें 3 वक्त का खाना विदाउट एनी कॉस्ट, यानी वो कॉम्प्लीमेंट्री है। तो आप ख़ुद देख लें कि 3 वक्त के खाने की कॉस्ट अगर आप निकालें तो फिर मज़ीद सस्ता आपको ये टिकट लगेगा। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, मैं लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ इस जर्नी को, इंशाल्लाह ताला मैं एंजॉय करूँगा। डाइनिंग कार भी इस ट्रेन में मौजूद होती है, लेकिन इफ्तिताह वाले दिन मैंने आपको बताया था कि वो अभी ऑपरेशनल नहीं है कुछ रीज़न्स की वजह से, क्योंकि काफ़ी अरसे से ट्रेन बंद थी और जो उसका स्टाफ था वो जाहिर सी बात है अगर इतने दिनों तक बंद हो ट्रेन तो वो कोई और रोज़गार देखते हैं। तो अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा उसको ऑपरेशनल होने में, मे बी अ फ्यू वीक्स। तो देखते हैं कि डाइनिंग कार के में जाए बगैर मेरा सफ़र कैसे गुजरता है। अच्छा, एक और चीज़ आपको बता दूं कि आप ये सोच रहे होंगे कि फरीद एक्सप्रेस का टिकट कैसे कराएं। फरीद एक्सप्रेस क्योंकि प्राइवेट कंपनी एस जमी लैंड कंपनी के अंडर चलती है, तो आप पाकिस्तान रेलवेज़ की ऐप के थ्रू इसका टिकट बुक नहीं करा सकते, लेकिन आप एस जमील की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इनकी अपनी ऐप है और इनकी जितनी भी ट्रेन्स हैं आप उन पर बुकिंग करा सकते हैं। इस ऐप का नाम है SJMCPL, ये आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा होगा। ये ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, उस पर अकाउंट बनाएं और आप फरीद एक्सप्रेस के टिकट आराम से बुक कर सकते हैं। इसके अलावा आप काउंटर भी विज़िट कर सकते हैं, जैसे सिटी स्टेशन पे काउंटर है, कैंट स्टेशन पे काउंटर है, इसी तरह लाहौर में है और तकरीबन हर शहर में ये काउंटर मौजूद है। ब्रांच लाइन के जितने भी शहर हैं, कंगनपुर, पाकपतन, विहाड़ी, मेलसी, इन सब पे ये काउंटर्स मौजूद हैं। आप वहाँ पे जाके एडवांस बुकिंग भी करा सकते हैं और ओपन टिकट्स भी ले सकते हैं। तो सोचा आपको ये भी एक इन्फॉर्मेशन बताता चलूँ। बस अब कुछ ही देर रह गई है ट्रेन की रवानगी में, तो इंतज़ार करते हैं और कराची से अपना सफ़र शुरू करते हैं। 7:30 हो रहे हैं और यही डिपार्चर टाइम है फरीद एक्सप्रेस का कराची कैंट, सॉरी कराची सिटी स्टेशन से, और आप देख लेंगे बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर ये रवाना हो गई है। बहुत ही ज़बरदस्त रोशनी कराची सिटी स्टेशन पर बहुत ही कम होती है, इसलिए देखें अभी जैसे ही वो दुकान गुजरी है अब अंदर का शेडो नज़र आने लगा है। खैर, इसी कम रोशनी से मेरी बहुत यादें वाबस्त हैं बचपन की। मुझे याद है कि मैं बचपन में जब स्टेशन पे आता था रात के टाइम तो ऐसे ही टिमटिमाते हुए बल्ब जलते थे, तो मुझे तो ये माहौल बहुत पसंद है। लेकिन जाहिर सी बात है जो लोग कंफर्ट के लिए ट्रैवल करते हैं उनको ये मतलब शायद नागवार गुजरता हो कि इतनी कम रोशनी है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ज़रा इस तरफ ध्यान दे, प्लेटफॉर्म पर रोशनी का इंतज़ाम बेहतर करे। ये भी देखा एक भाई भागते भागते अभी ट्रेन पे गए हैं। बहरहाल अब स्टॉप होगा कराची कैंट स्टेशन और फिर ड्रिग रोड, इसी तरह करके हमारे सफ़र का आगाज़ होगा। कैंट स्टेशन पहुंच गए और आप देखें कितना रश है। इस वजह से मैं कराची सिटी स्टेशन से बोर्ड हुआ था और वहीं पे मैंने सारी कवरेज मुकम्मल कर ली थी। ड्रिग रोड पहुंच गए और मेरी कोच बिल्कुल ही प्लेटफॉर्म से बाहर रुकी है, तो ये दो नौजवान मुझसे मिलने के लिए कैसे पहले से मौजूद हैं। अमजद फ्रॉम सक्कर, भाई आज इधर कैसे कराची में? कराची आया हुआ था दरअसल, मैं ऐसे ही अपने काम से। अच्छा, और नमान, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। तो यार बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप आए स्पेशली टाइम निकाल कर, थैंक यू। हाँ सेफ ट्रेवल्स। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया। अगला स्टॉप होगा जनाब लांडी का और मैं अब थोड़ा सा आराम करूँगा क्योंकि सफ़र बहुत लंबा है, बैटरी भी बचानी है, आपने देखा ही होगा चार्जिंग ऑप्शन नहीं थी कोच में, तो थोड़ा रेस्ट करते हैं और फिर आगे किसी स्टेशन पे मिलते हैं।
लांडी से चलने के बाद काफ़ी स्लो ट्रेन चल रही थी क्योंकि पता चला था कि आगे 33 अब पाक बिजनेस एक्सप्रेस निकली है आज काफ़ी लेट, तो अभी तक वो हमें तंग कर रही है। इस वक्त ट्रेन क्रूज़ कर रही है तकरीबन 90 से 95 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से। तो आप कह लें कि लांडी से रवाना होने के बाद अभी इसने इतनी स्पीड पकड़ी है, इससे पहले काफ़ी स्लो चल रही थी। वक्त हो रहा है इस वक्त 10:22, तो देखते हैं अब हैदराबाद अब हम कब पहुंचते हैं। तकरीबन 11:30 हो रहे हैं और अभी अभी हम हैदराबाद जंक्शन पहुंच गए हैं। तकरीबन 1 घंटा और कुछ मिनट लेट हो गई है ट्रेन और उसकी वजह यही है कि आगे पाक बिजनेस एक्सप्रेस मौजूद है और जब तक वो अपना नॉन स्टॉप रन नहीं करती तब तक हम ऐसे ही चलते रहेंगे। तो आज रात का खाना तो मैं वालेकुम सलाम नहीं नहीं सर टिकटॉक नहीं है हाँ ट्रेन की बनाते हैं जी जी हाँ यूट्यूब पे मैं व्लॉग्स बनाता हूँ। बहुत शुक्रिया जी 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 इसी में ही हूँ। एक साहब मिले और वो पहले कहते कि टिकटॉक, लेकिन बाद में उन्हें पता चल गया कि ये यूट्यूब पे व्लॉग्स बनाता है। बहरहाल मैं आपसे ज़िक्र कर रहा था कि आज रात का डिनर तो मैं घर से करके आया था, लेकिन अभी 11:30 बजे तक जागते जागते तो भूख लग गई है ज़रा, तो कुछ स्नैक्स लेते हैं, चिप्स ले लेते हैं और उसको एंजॉय करते हैं। हैदराबाद के स्टॉल्स पर ये चूड़ियाँ नज़र आई हैं और ये आपको पता ही है हैदराबाद मशहूर है चूड़ियों की प्रोडक्शन के लिए। सर ये एक बड़ा पैकेट लेस का दे दें ज़रा, निकाल लूँ ये वाला तो ये है जनाब लेस, ये इंजॉय करते हैं। मैं करता हूँ अब ये लेस चिप्स इंजॉय, ज़बरदस्त। और साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि मेरे पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि फरीद एक्सप्रेस की बिज़नेस क्लास में कॉम्प्लीमेंट्री फूड भी दिया जाता है, तो मुझे अभी पता लगा है कि हमें कल सुबह का नाश्ता मिलेगा और कल दोपहर का लंच भी मिलेगा। तो जो लोग 37 अप में सफ़र कर रहे हैं वो रात का डिनर अगर घर से करके आएँ तो बेटर है, क्योंकि वो प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। अगले दिन का नाश्ता और दोपहर का खाना तो डेफिनेटली इंक्लूडेड है और शायद कल रात का डिनर भी इंक्लूडेड है, तो ये कल पता लग जाएगा कि कौन कौन से मील्स मिलते हैं। इधर ठंड काफ़ी ज़्यादा है हैदराबाद में, मैंने अपना अपर उतार दिया था ट्रेन में लेकिन अब ठंड लग रही है, तो थोड़े से चिप्स खाते हैं और दोबारा अपनी कोच में चल के बैठते हैं। नया दिन शुरू हो चुका है और सुबह के 8:30 बज रहे हैं। कल रात को हैदराबाद गुजरने के बाद एकदम ऐसी नींद आई है और मैं फौरन ही जा के सो गया और अब आँख खुली है। रात में भी एक दो दफ़ा थोड़ी थोड़ी देर के लिए आँख खुली, लेकिन इतना मौका नहीं मिल सका कि मैं वीडियो बना सकूँ। कोई ब्रिज गुजर रहा है, उसकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा, तो मैं आपको ये बता रहा था कि रात को बिल्कुल भी मौका नहीं मिल सका, इवन के मैं आपको ये भी नहीं बता सका कि मैं सोने के लिए जा रहा हूँ, तो एकदम ही जाते साथ ही मैं सो गया। तो जनाब आज नया दिन शुरू हो चुका है, 25 तारीख है यानी 25 दिसंबर 2022, और आपको पता ही है 25 दिसंबर को दो हॉलीडेज़ होती हैं पाकिस्तान में। एक तो हमारे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौमे पैदाइश है, तो जिन्ना डे है ये, उसकी सबको मुबारकबाद। इसके अलावा आज जो हमारे मसीही भाई हैं वो अपना क्रिसमस का त्यौहार मनाते हैं, तो जो भी मेरे व्यूवर्स हैं उन सबको भी इस त्यौहार की बहुत मुबारक। अभी इस वक्त तकरीबन मीरपुर माथेलों के आसपास हैं और बाहर सर्दी बहुत ज़्यादा है और धुंध भी बहुत ज़्यादा है,
अब मेरे मुंह से बोलते हुए धुआं भी निकल रहा है, शायद आपको नज़र आ रहा हो या नहीं कैमरा में, बाहर का मंजर मैं आपको दिखाता हूँ। निगाह तकरीबन सिफर है इस वक्त, कुछ ही मीटर आप देखें तो आपको नज़र आएगा, उससे आगे सारा धुंध ही धुंध। ऐसे मौसम में ट्रेन ड्राइविंग बहुत ही डिफ़िकल्ट काम होता है, बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सिग्नल्स की विजिबिलिटी नहीं होती और ट्रेन लेट होना शुरू हो जाती है। तो अभी भी आप देख लें कि ये सिग्नल सामने आए हैं और कितनी करीब आकर नज़र आए हैं। ये ट्रेन की स्पीड को बरकरार रखना पॉसिबल नहीं होता। मीरपुर माथेलो आ गया जनाब, वो सामने आपको बोर्ड पर नज़र भी आ रहा होगा, और ट्रेन भी रुक गई है। तो ये वजह है कि जब शदीद धुंध का मौसम हो तब ट्रेन लेट होना शुरू हो जाती है। चलें, अब मैं भी सर्दी से ठरठराने लगा हूँ, दोबारा जाता हूँ अपनी बिज़नेस क्लास कोच में, और वहाँ का मौसम बड़ा कोजी हो रहा है, तो थोड़ी देर दोबारा वहाँ बैठ के अपने आप को वार्म करता हूँ। फाइनली 7:00 के आसपास नाश्ता प्रोवाइड कर दिया गया, और नाश्ता करने के लिए मैं डाइनिंग कार में ही आ गया ताकि गर्मा गर्म नाश्ता मिल जाए, क्योंकि 3 coaches का फासला है डाइनिंग कार से मेरी कोच का। तो वहाँ आते आते इतनी ठंड है कि मुझे अंदाज़ा था कि ठंडा हो जाएगा। तो डाइनिंग कार वैसे मैंने आपको बताया था ऑपरेशनल नहीं है, तो ये जो दरमियान के स्टेशंस आते हैं वहाँ से नाश्ता लोड हो रहा है आजकल। तो मीरपुर माथेलो जो अभी थोड़ी देर पहले गुजरा था वहाँ से ये नाश्ता आया है। तो नाश्ते में हमें दिया गया 2 slices हैं और पराठा है हाफ, साथ में एक ऑमलेट है, बटर है और जैम है। तो तकरीबन वैसे ही नाश्ता है जैसे हुआ करता था पहले भी, लेकिन एक चीज़ की कमी है, वो है चाय की। हर कोई चाय मांग रहा है, तो मैं इस वीडियो में भी हैदर भाई से ये गुजारिश करूँगा कि सर जी चाय का कोई इंतज़ाम करें। तो चलें अब नाश्ता एंजॉय करते हैं। चलें जी, बिस्मिल्लाह। सबसे पहले पराठा और ऑमलेट गर्मा गर्म है अभी। अस्सलाम वालेकुम जी, जबरदस्त। अस्सलाम वालेकुम सर जी, चाय की कमी शिद्दत से महसूस हो रही है, लेकिन बाकी टेस्ट में गुड है। ऑमलेट बहुत अच्छा बना हुआ है, हर चीज़ का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है इसमें, और जैम और बटर भी ट्राई करते हैं। बटर ये ताज़ा है, पहले तो बटर पैकेट का मिलता था, लेकिन ये ताज़ा बटर है। तो चलें बाकी का नाश्ता एंजॉय करते हैं। ओके हो गया सर, यही पूछना से, यही पूछना। वक्त हुआ चाहता है 9:45 का, यानी 9:45, और इस वक्त 7:00 रेलवे स्टेशन हम फाइनली पहुंच गए हैं, और एज एक्सपेक्टेड प्लेटफॉर्म से पीछे ही रुक गई है हमारी कोच, क्योंकि बिल्कुल आखिर में है ये, और छोटा सा ही स्टॉप होता है किसी प्लेटफॉर्म पे, आगे जाके अभी चाय भी नहीं ले सकते। चलें देखते हैं आगे रहीम यार खान पे मौका मिलता है या नहीं चाय पीने का। 7:00 सिंध और पंजाब के बॉर्डर पे तकरीबन एक बड़ा शहर है, और यहाँ की डिटेल कवरेज भी मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ। 7:00 और रहीम यार खान के दरमियान इस वक्त क्रूज़ कर रहे हैं, और 90 की स्पीड है। हरे भरे खेत सामने नज़र भी आ रहे होंगे आपको। मुझे इंतज़ार है सरसों के खेतों का, जब पूरी खेतों ने
नीले कलर की चादर ओढ़ी होती है। तो देखते हैं कि सरसों के खेत कब देखने को मिलते हैं। गन्ने की फसल भी कट रही है और जगह जगह लोग जो उसके सूखे पत्ते हैं वो जला के बैठे हुए हैं और अपने हाथ ताप रहे हैं। इस मौसम का मज़ा यही है। 10:10 हो रहे हैं और इस वक्त रहीम यार खान स्टेशन पहुंच गए हैं। आज बड़ी इतफाक़ की बात है कि बिल्कुल लेफ़्ट साइड वाली लूप लाइन पे हमें लगाया है और इसकी वजह ये आप दाएं साइड पे खड़ी हुई रेलगाड़ी देख सकते हैं। ये तेज़गाम है और तकरीबन 10 मिनट पहले इधर पहुंची है। मैंने यहाँ के मुसाफिरों से पूछा है तो ये भी एक वजह है कि आगे तेज़गाम, उससे आगे पाक बिज़नेस एक्सप्रेस, तो ये सब लाइन लगी हुई है। इसकी वजह से तमाम ट्रेन स्लो स्लो चल रही हैं। ये एक बहुत ही रेयर फेनोमेना हो गया है, हमने ओवरटेक कर दिया है जनाब तेज़गाम को। और इसकी वजह मुझे यही लगती है कि शायद तेज़गाम के लोकोमोटिव में कोई इशू हो या कोई और मैकेनिकल फॉल्ट भी हो सकता है, जिसकी वजह से तेज़गाम को रोक कर हमें आगे निकाला जा रहा है। बहरहाल हार्ड लक फॉर तेज़गाम और गुड लक है जी फरीद एक्सप्रेस की। काफ़ी लोग उतरे हैं इधर रहीम यार खान पे और रवाना हो रहे हैं। रहीम यार खान एक रेल व्लॉगर भी रहते हैं इधर और आज भी मेरे ख़्याल वो इधर मौजूद नहीं है, मुल्तान में है फिरोज़ मलिक, अगर होते तो उनसे मुलाकात करते। ठंड बहुत ज़्यादा है, दरवाज़े पे खड़े होकर वीडियो बनाना तो बहुत ही मुश्किल काम है। तो चलते हैं दोबारा अंदर। सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार है कि तेज़गाम को कौन सा लोकोमोटिव लीड कर रहा है, उसे देख लेते हैं। जी GU 49013 सजा भी हुआ है ये। खानपुर जंक्शन पे पहुंच गए और बड़ा अच्छा मौसम है इधर। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले मैं इधर आया था खानपुर जंक्शन पे और यहाँ का बहुत ही डिटेल्ड कवरेज भी मैंने की थी। यहाँ के स्टेशन मास्टर साहब से भी मैं मिला था और अभी मेरी बात हुई है। मौका मिलता है तो वो ड्यूटी पे ही हैं, कोशिश करते हैं कि उनसे मुलाकात हो जाए। खानपुर के स्टेशन मास्टर साहब से मुलाकात हो गई, बड़ा अच्छा लग रहा है। अभी कुछ ही टाइम हो गया, मेरा ख्याल 1.5 महीना भी नहीं हुआ होगा। तो ग़ुलाम अरबी साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह पाक का बड़ा एहसान, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, बड़ी खुशी हुई आपसे आज दोबारा मिल के। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। चलें वापस अपनी कोच में चलते हैं और अभी तक मौका नहीं मिल सका लोकोमोटिव के पास जाने का। 8221 है आज लीड पर, यानी SGMU 30 लीड कर रहा है। तो देखें अब समस हट्टा पे ही मौका मिलेगा वहाँ जाके ज़रा उसको डिटेल में देखने का। 12:15 हो रहे और इस वक्त डेरा नवाब साहब पहुँच गए हैं। बीच में एक लियाकतपुर भी आया था लेकिन उस वक्त मैं अंदर बैठा चाय पी रहा था, जो कि बड़े ही तगो दो करके हमने बनाई थी। बहरहाल मुबारकपुर रेलवे स्टेशन पर छोटा सा स्टॉप करने के बाद अब रवाना हो रहे हैं और मुबारकपुर का स्टेशन बहुत ही ज़बरदस्त विंटेज लुक दे रहा है। अगर आपको नज़र आ रहा हो पीछे, एक बहुत ही मखदूश सी बिल्डिंग है। ये काफ़ी अरसे से मुझे शौक़ है कि मैं मुबारकपुर रेलवे स्टेशन आऊं और इसको एक्सप्लोर करूं। तो देखें कब ये चांस मिलता है। अगला स्टॉप होगा समा सट्टा का, तो धुंध में आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए समा पे मिलते हैं। एक बड़े यार्ड में हम पहुंच गए हैं और इससे अंदाज़ा होता है कि जनाब समा सट्टा आ चुका है। समा सट्टा जैसा आप जानते ही हैं
मैं पहले भी बयान कर चुका हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है इस शहर से। समासट्टा जंक्शन का कैबिन सामने, तो यहाँ पर फरीद एक्सप्रेस का बड़ा स्टॉप होता है और यहाँ पर तीन कोचेस जो समा कोटे की हैं वो अलग भी कर दी जाएंगी और इसके साथ साथ लोकोमोटिव का क्रू भी चेंज होगा। तो तकरीबन ये 20-25 मिनट का स्टॉप है इधर। यहाँ पर अभी लोकोमोटिव के पास भी चलते हैं क्योंकि कल से लोकोमोटिव की शक्ल नहीं देखी है और आज इसमें HGMU-30 लोकोमोटिव लीड कर रहा है और शायद उसका नंबर 8221 है, तो उसको चल के देखते हैं। समासट्टा जंक्शन और वक्त हो रहा है इस वक्त 12:59 यानी 1 बज चुका है। 1910 का बना हुआ, वाह टोटली विंटेज। प्लेटफॉर्म इसका दूसरी तरफ आएगा तो चलते हैं वहाँ। पाकिस्तान रेलवे का डाक बंगला, गैरेज स्टाफ भी बैठा हुआ है ट्रेन को चेक कर रहा है बैठे बैठे, आग भी ताप रहे हैं साथ साथ, वाह ज़बरदस्त। और जनाब प्लेटफॉर्म पे पहुंचते हैं या नहीं। काफ़ी हार्ड ब्रेकिंग की है जनाब, प्लेटफॉर्म नहीं आ सका तो जंप मारते हैं इधर। पाइप पहुंच चुके हैं ऊपर और वाटरिंग होगी यहाँ पे, वो ऊपर पाइप आपको नज़र आ रहे होंगे, जो कैरेज स्टाफ का अमला है वो पानी भरेगा टैंकी में। पीछे कुछ लोग आग पे हाथ तांप रहे थे, सर्दी बड़ी है। मैं भी चलता हूँ वहाँ पे, ज़रा थोड़े से हाथ गर्म कर लेते हैं। समासट्टा एक बहुत बड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन किसी ज़माने में हुआ करता था, अब तो ज़्यादातर सोना ही रहता है। सिर्फ बाबा फरीद एक्सप्रेस जब यहाँ पे आके रुकती है तो आप कह लें कि तभी यहाँ पे रौनक देखने को मिलती है, और किसी बड़ी ट्रेन का इधर स्टॉप आजकल नहीं है। समासट्टा जंक्शन से एक लाइन जाती है भावल नगर तक और आजकल वो बंद है। सुनने में आया था कि उस लाइन को रिवाइव किया जा रहा है, तो देखें वो कब बहाल होती है। आपको उस बोर्ड का भी दिखा देता हूँ जिसमें उस ब्रांच लाइन के सारे शहरों के नाम दर्ज हैं, बगदाद, हासिलपुर, चिश्तियाँ, भावल नगर। भावल नगर तक ट्रैक चलता रहा था, फिर उसके बाद जो अमरूका तक का सेक्शन है जो बिल्कुल बॉर्डर पर वाक़ है, वहाँ तक ट्रेन बंद हो गई थी सर्विस। तो देखें अब कब ये चलता है, FWO को इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है और देखते हैं कि वो कब इस लाइन की बहाली कर पाते हैं। ये वो तीन कोचेज़ हैं जिनको समासट्टा जंक्शन पर फरीद एक्सप्रेस से अलग कर दिया जाता है। एक लगेज कोच भी है जिसको वापस ट्रेन के साथ लगाया जाएगा। फाइनली HGMU-30 8221 इसको देखने का मौका मिल गया है।
इस फ्रेम में आप देख सकते हैं कि हमारी ट्रेन 37 अब दूसरी तरफ खड़ी है, और जो कोचेज़ अलग की गई हैं उसको इन प्लेटफॉर्म पे लगाया जा रहा है। बाद में लोकोमोटिव को दोबारा बकिया रेक के साथ लगा के आगे रवाना कर दिया जाएगा। और ये जो तीन कोचेज़ हैं आज आने वाली 38 डाउन में लगेंगी और कराची के लिए रवाना होंगी। तो ये समा पे एक्टिविटी होती है जब भी फरीद एक्सप्रेस यहाँ पहुँचती है, सोचा आपको बताता चलूँ। 8218 के साथ एक ट्रेन भी अभी अभी इधर पहुँची है, और आई थिंक कि ये हज़ारा एक्सप्रेस है 12 डाउन, एक एसी स्टैंडर्ड और बाकी इकॉनमी क्लास, तो डेफिनेटली ये हज़ारा ही होगी। चले, ये तो रेल फैनिंग हो गई समा सट्टा पे सुबह ही सुबह सख्त सर्दी में, मज़ा आ गया। हमारा लोकोमोटिव अभी तक पहुंचा नहीं है, तो जैसे ही पहुंचता है उसकी कपलिंग भी देख लेते हैं। एट डबल टू वन अपनी ड्यूटी ख़त्म करके जा रहा है, और आज बस जल्दी जल्दी में मेरे भी जहन में ये नहीं आया कि यहाँ पे तो लोकोमोटिव चेंज होगा, क्योंकि अब लोड बढ़ चुका है ट्रेन का, तो कराची से अब बड़ा इंजन इसको समा तक लेके आएगा, और फिर समा से आगे लाहौर तक इसको कोई छोटा इंजन होगा जैसे GU20 वो लीड करेगा। फाइनली GU20 लोकोमोटिव आ चुका है, और अब यही लीड करेगा हमारी बकिया ट्रेन को लाहौर तक। और देखते हैं क्या नंबर है जनाब आज के GU20 का। दूर से मुझे 4569 लग रहा है, हाँ जी वही है GU20 4569। GU20 के बारे में आपको मालूम होगा कि ये जनरल इलेक्ट्रिक USA के लोकोमोटिव्स हैं, और इनकी जो रेटेड हॉर्स पावर है वो 2000 हॉर्स पावर की है। बहुत ही ताकतवर जानदार लोकोमोटिव हैं ये, और आप कह लें कि अभी जितने भी लोकोमोटिव्स हैं पाकिस्तान में उनमें मोस्ट रीसेंट इंपोर्ट यानी 2019 की यही हैं GU20 4569। ज़बरदस्त, आहिस्ता आहिस्ता पीछे जा रहा है, और बाकी ट्रेन के साथ यहाँ पे जोड़ दिया जाएगा। 1:45 हो रहे हैं और फाइनली GU20 4569 के साथ ट्रेन आगे रवाना हो गई है। समा सट्टा जंक्शन के कुछ ही देर बाद बावलपुर आएगा, बावलपुर की अजीम शान बिल्डिंग भी आपको दिखाएंगे दोबारा से, और फिर दरियाए सतलुज को क्रॉस करने के बाद जैसे ही लोधरा हम पहुंचेंगे, और वहां से फिर असल फरीद एक्सप्रेस का ब्रांच लाइन का सफ़र शुरू होगा। चले मिलते हैं भावलपुर पे। समा सट्टा से चलने के बाद ज़्यादा वक्त नहीं लगा और हम भावलपुर पहुंच गए। फरीद एक्सप्रेस आपको सामने फ्रेम में नज़र आ रही है, और भावलपुर की नई नवेली बिल्डिंग भी, कुछ ही साल हुए हैं इसको बने हुए दोबारा, और जैसा आपको स्ट्रक्चर से लग रहा होगा कि ये जैसे महल होता है नवाबों का उसकी तरह का है, तो भावलपुर को नवाबों का शहर भी कहा जाता है, तो उसकी निस्बत से इसकी बिल्डिंग को भी वैसे ही डिज़ाइन किया गया है। और एक ऐसे ही महल नूर महल है भावलपुर में, तो इसका डिज़ाइन बिल्कुल नूर महल जैसा है। भावलपुर पर थोड़ा सा स्टॉप होगा, यहाँ पे फरीद एक्सप्रेस का जो स्टाफ है
वो भी चेंज होता है। दूसरी शिफ्ट के जो इनके टिकट चेकर्स वगैरह हैं वो आ जाते हैं। ये फैज़ान भाई हमारे एसी मैनेजर फरीद एक्सप्रेस के, ये कराची से साथ चल रहे हैं मेरे साथ। और अब यहाँ पे आपकी ड्यूटी ख़त्म हो गई है? ख़त्म। चलें, बहुत शुक्रिया सर, आपने बड़ी अच्छी ख्याल रखा। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। बहावलपुर से निकलने के बाद अब दरियाए सतलुज पे बने हुए बहुत ही ज़बरदस्त ब्रिज पे से गुजरने लगे और धुंध में इसका नज़ारा इस दफा अलग ही होगा। आज से पहले मैंने इस ब्रिज को धुंध में कैप्चर शायद नहीं किया है, तो चलें देखते हैं। अच्छा था। और साथ साथ दरियाए सतलुज में आपने देख ही लिया होगा कि कल्टीवेशन भी हुई हुई थी, तो वहाँ पे एक बहुत ही ज़बरदस्त सरसों का खेत भी नज़र आ गया जो पीले फूलों से भरा हुआ था, तो देख के बहुत ही अच्छा लगा। अब आएगा लोधरा जंक्शन, तो लोधरा जंक्शन से हमारी फरीद एक्सप्रेस डाइवर्ट कर जाएगी लूप लाइन पर, सॉरी ब्रांच लाइन पर। तो लोधरा पहुंचते हैं और फिर अपना आगे का सफ़र जारी रखते हैं। फाइनली इस वक्त लोधरा जंक्शन हम पहुंचने वाले हैं और लोधरा जंक्शन के यार्ड में पहुंच भी गए हैं। लोधरा एक बड़ा इम्पोर्टेंट जंक्शन है, यहाँ से तीन तरफ की लाइंस हैं वो निकलती हैं। एक लोधरा से मुल्तान होती हुई खानेवाल लाइन जाती है जिसे रेलवे की इस्तेलाह में लूप लाइन कहा जाता है। इसके अलावा जो मेन लाइन है वो बरास्ता जहानिया होती हुई खानेवाल पहुंचती है और उसको कॉर्ड लाइन कहा जाता है। जबकि यहाँ से एक और ब्रांच लाइन का आगाज़ होता है लोधरा पाकपतन कसूर रायवंड ब्रांच लाइन का, और हमारी ट्रेन फरीद एक्सप्रेस इस ब्रांच लाइन की वाइट ट्रेन है। यहाँ से हम डाइवर्ट कर जाएंगे पाकपतन कसूर रायवंड वाली ब्रांच लाइन पर। तो चलें, अब बड़ा मज़े का सफ़र होने वाला है क्योंकि वो इलाके बहुत ही ज़रखेज़ हैं और हरे भरे होते हैं। मेरे पहले भी उस लाइन पर कई सफ़र हैं, तो आज धुंध में उन इलाकों का सफ़र एंजॉय करते हैं। एज़ यूजुअल पीछे कोच होने की वजह से प्लेटफॉर्म से बाहर ही रुकी थी गाड़ी, अब रवाना होने लगी है लोधरा से। तो मैंने कहा आपको ये तारीखी स्टेशन दिखाता चलूं। ज़्यादातर सफ़र में जो स्टेशन की दूसरी साइड है वो आती है, लेकिन जब आप इस ब्रांच लाइन पे जाएं तो आप ये वाली साइड भी देख सकते हैं। पीछे पावर वैन का शोर काफ़ी ज़्यादा है, वो भी आपको विजिबल होगा, सॉरी ऑडिबल होगा। तो चलें, लोधरा जंक्शन से निकल गए, अब ब्रांच लाइन के सफ़र को एंजॉय करते हैं। जमरानीवा रेलवे स्टेशन पहुंच गए थे, अब रवाना होने लगे हैं। और यहाँ मैंने आपको सिर्फ ये सामने लगी हुई फसल ही दिखानी थी। देखिए, इंसान के कद से भी लंबी लंबी ये फसल है, और आई थिंक ये जो भुट्टा होता है उसकी फसल है शायद। ज़बरदस्त,
अगला स्टेशन होगा करोड़ पक्का का, तो वहाँ पर मिलते हैं। करोड़ पक्का रेलवे स्टेशन, इस ब्रांच लाइन पर दूसरा स्टॉप है इस ट्रेन का। यहाँ पे ट्रेन पहुँची थी, रुकी थी और अब रवाना हो रही है। 38 डाउन फरीद एक्सप्रेस भी इसी लाइन पर करीब करीब ही है, देखते हैं कि उसका क्रॉस कहाँ होता है। मेरी प्रेडिक्शन ये है कि मेलसी पे हमारा क्रॉस होगा, तो चलें देखते हैं कि ये प्रेडिक्शन सही होती है या नहीं। आज मेरे हमसफ़र जो हैं वो कैबिन में बैठ के लंच कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा सफ़र इनके साथ गुजर रहा है, तो इनसे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वैसे तो खाने के वक्त इतना डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए किसी को, लेकिन फिर भी चलें दो मिनट की बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर कैसा खाने की क्वालिटी है जो फरीद एक्सप्रेस ने प्रोवाइड किया है? अच्छी क्वालिटी है, तो उसके अलावा आप कुछ कहना चाहेंगे? बस ये कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा जल्दी कर दें इसको। अच्छा, ठीक है, टाइमिंग का थोड़ा इशू है, बाकी सब अच्छा है। सर आप भी मुतमईन हैं? जी जी, खाने की क्वालिटी तो माशाल्लाह अच्छी है, बाकी जितना लेट हो गए हैं थोड़ा धुंध की वजह से, कुछ मसाइल की वजह से वो थोड़ा जल्दी हो जाता। चलें बहुत बहुत शुक्रिया। सर आप भी सेटिस्फाइड हैं? इंशाल्लाह ठीक है, बस सिर्फ ये ना कि टाइमिंग जो है ना उसका मसला है, बाकी खैर सही। मैम आप भी सेटिस्फाइड हैं? चलें थैंक्स फॉर द थम्स अप। मेरी ट्रे भी अभी पहुंच रही है, तो बस उसी का इंतज़ार है। तो जनाब लंच आ गया है। सुबह जो नाश्ता प्रोवाइड किया गया था उसमें प्लास्टिक रैप नहीं था, तो मैंने फौरन ही जो इनके ओनर हैं उनको कहा था कि हाइजीनिक कंडीशन के लिए ये होना ज़रूरी है, और देखें कितना फास्ट उन्होंने फीडबैक का रिस्पांस लिया है। और अभी लंच में प्लास्टिक रैप में होके आया है ये, इससे खाना गर्म भी रहेगा और कोई इसमें मिट्टी वगैरह रास्ते में नहीं आएगी। तो मेन्यू आपको बता दूँ, इसमें एक नान है और साथ में चिकन कढ़ाई है, सैलेड है और मिक्स वेजिटेबल जिसमें आलू गाजर मटर ये तो नज़र आ ही रहे हैं, उसके अलावा प्लेन राइस हैं। तो बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्प्लीमेंट्री है बिज़नेस क्लास की टिकट के साथ, आपको इसके कोई चार्जेस नहीं देने होंगे, लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा मील लेना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है और 250 रुपीज़ इस ट्रे के चार्जेस हैं। आज सबसे पहले राइस ट्राई करता हूँ जो ग्रेवी है कढ़ाई की उसके साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़बरदस्त टेस्ट तो वाकई में अच्छा है, ख़ास तौर पे जो ये कढ़ाई की ग्रेवी है बहुत ही कमाल है। ज़बरदस्त, गुड जॉब एस जमील एंड कंपनी। अब बाकी का खाना एंजॉय करता हूँ कैमरा ऑफ करके, तो सी यू गाइस। मेलसी रेलवे स्टेशन पहुँच गए और एज एक्सपेक्टेड यहीं पर क्रॉस अरेंज हुआ है। हमारी ट्रेन पहले पहुँच गई थी जबकि 38 डाउन अभी आ रही है। आ जाओ भाई, आ जा। हाँ वालेकुम सलाम, पहचान लिया? आप कैसे? अल्लाह का शुक्र, आपने बताया ही नहीं यार। बस ऐसे ही हम तो आ जाते हैं, हम तेरी वीडियो का हर रोज देखी है, हर रोज देखी है वीडियो यार, बड़ा देखा आपको YouTube पे। कहाँ से आप बिलोंग करते हैं? मैं कराची से हूँ लेकिन अब लाहौर में रहा। अच्छा अच्छा यार, आपको यार ये देखें मेलसी रेलवे स्टेशन पर एकदम से इतने सारे रेल फैन से मुलाकात हो गई। चलो 38 डाउन भी आ गई है, उसको कवर करते हैं। अपने जाने
तो जनाब ये आपने देखा 38 डाउन भी पहुंच गई, अब मेरी ट्रेन दूसरी तरफ हो गई है। मैं एक मिनट मैं देता हूं। तो अब ये कोचेस क्रॉस करके मैं अपनी कोच की तरफ जाऊंगा। तो चलें मेलसी से बाय बाय, आगे मिलते हैं। 4:34 हो रहे हैं और बिहाड़ी इस वक्त हम पहुंच गए हैं। मौसम की कंडीशन ऐसा ही है, सूरज नहीं निकला आज पूरा दिन, धुंध ही धुंध है। जहाँ थोड़ी बहुत आबादी आती है वहाँ पर थोड़ी सी धुंध छट जाती है, लेकिन जैसे ही मैदानी इलाके आते हैं दोबारा से धुंध बढ़ जाती है। तो व्याड़ी से अब रवाना होंगे, उसके बाद थोड़ा रेस्ट करने का इरादा है क्योंकि काफ़ी लंबा सफ़र हो गया है, थकन हो गई है थोड़ी सी। तो इंशाल्लाह ताला फिर अब देखते हैं पाक पतन कब आता है और वहाँ पर फिर मिलते हैं। अभी मैं सोने ही जा रहा था कि पीछे से किसी ने आवाज़ दी कि भाई चाय पी लें, तो मैंने कहा इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। डाइनिंग कार भी मतलब वर्किंग में नहीं है, चाय नहीं मिल रही, तो ऐसी सूरत में कहीं से चाय मिल जाए तो क्या ही बात है। इतनी सर्दी में धुआं उठाती भी चाय, मज़ा ही आ जाएगा आज तो। बिस्मिल्लाह करते हैं। वाह, इलायची डली हुई कस्टमाइज चाय, मज़ेदार, ज़बरदस्त। सर्दी की चाय और क्या ही बात है। तकरीबन 6:50 पे फाइनली पाकपतन शरीफ पहुंच गए थे। और पाकपतन के बारे में आपको पता ही होगा, मैंने इधर डिटेल व्लॉग भी किया है। तो जो ये ट्रेन है फरीद एक्सप्रेस, इसका नाम पाकपतन की नस्बत से ही है। यहाँ पर हज़रत बाबा फरीद गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है और उन्हीं की नस्बत से इस ट्रेन का नाम फरीद एक्सप्रेस है। तो पाकपतन पर इसका स्टॉप होता है तकरीबन 15 का। यहाँ पे क्रू भी चेंज होता है, जो लोकोमोटिव को ड्राइवर और असिस्टेंट ड्राइवर लीड करते हैं वो भी तब्दील होते हैं यहाँ पे। अब यहाँ से लेकर लाहौर तक दूसरा क्रू लीड करेगा। सर्दी बड़ी कड़ाके की है, मुंह से धुआं निकल रहा है, नज़र भी आ रहा होगा आपको। इकलौता स्टॉल है इधर पाकपतन पे और उस पर बहुत ज़्यादा रश है। बस वही चीज़ एक दफ़ा और के रोशनी की कमी है, इसलिए आपको नज़र नहीं आ रहा होगा बैकग्राउंड में। तो दोबारा अब चलता हूँ अपनी कोच में, देखते हैं कि अभी का जो डिनर है वो प्रोवाइड करते हैं या क्या सीन अब बनता है, क्योंकि भूख तो लगी हुई है ज़ोरों की। लाहौर आने में अभी भी कुछ टाइम है, तकरीबन 3:15 लेट हो गई है ट्रेन। खैर मौसम ऐसा है इसलिए आई डोंट माइंड। वापस चलता हूँ कोच में इससे पहले कि ट्रेन रवाना हो जाए। इस वक्त ट्रेन हवेली वसाई वाला स्टेशन से रवाना हुई है और हमें तीसरे वक्त का कॉम्प्लीमेंट्री खाना दे दिया गया है। कॉम्प्लीमेंट्री खाने की सहूलत बिज़नेस क्लास के उन मुसाफिरों के लिए जो कराची से या हैदराबाद से ट्रेवल कर रहे हैं, तो बाकी जो लोग दरमियान के स्टेशन से बैठे हैं वो ऑन पेमेंट ये खाना ले सकते हैं अगर वो चाहें तो। तो मेन्यू थोड़ा सा डिफरेंट है जो लंच हमें दिया गया था उससे, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो इसकी प्लास्टिक रैपिंग खोलते हैं। प्लास्टिक रैप एक जद्दोजहद के बाद उतार दिया है। तो मेन्यू आज का चेक करते हैं। सबसे पहले तो नान एक मौजूद है, इसके साथ ही ये दाल लग रही है, कोई दाल है। इसके अलावा सैलड है, थोड़ी कढ़ाई और चावल। तो चलें टेस्ट चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोपहर में भी कढ़ाई टाइप का एक सालन था, तो अभी दूसरा आइटम ट्राई करते हैं। दाल टाइप की ये कोई चीज़ है, दाल ही है, अब ये नहीं पता लग रहा कौन सी दाल है। तो इसे ट्राई करते हैं और देखते हैं कि कैसा टेस्ट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शायद
मसूर की दाल है। वैसे दालों में मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि कौन सी दाल है ये, बहरहाल टेस्ट अच्छा है। तो बाकी खाना एंजॉय करते हैं, फ़ोन भी बजने लगा है तो कैमरा बंद करता हूँ मैं, मिलते हैं डिनर के बाद। 10:50 हो रहे हैं और फाइनली अब कसूर जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुँच गए हैं। बहुत ही लंबा सफ़र हो गया ये, लेकिन देखा जाए तो 4 घंटे लेट है ट्रेन। इस मौसम में तो ट्रेनें 9-9 घंटे भी लेट हो जाती हैं, तो 4 घंटे अगर कंपेयर करें तो इतना बुरा नहीं है। तो सफ़र बहुत अच्छा जा रहा है मेरा तो, क्योंकि मुझे इतनी आदत हो गई है ट्रेन का सफ़र करते करते कि अगर ट्रेन लेट भी हो जाए तो मुझे इतना फील नहीं होता। लेकिन वो जाहिर सी बात है, और लोग जो रेगुलर ट्रैवलर नहीं हैं वो इस चीज़ को ज़रूर फील कर रहे हैं कि बहुत लंबा सफ़र हो गया है। तो बहरहाल कसूर पे इसका स्टॉप होगा तकरीबन 25 मिनट आधे घंटे का, और उसकी टेक्निकल रीज़न आपको पता ही है कि यहाँ पे 2 लाइंस जो आती हैं उन दोनों की एंट्री एक ही तरफ से है, तो जो इंजन है उसको अपना रुख तब्दील करना पड़ता है और दूसरी तरफ लग के फिर रायवंड और फिर लाहौर के लिए रवाना होना होता है। तो अभी लोकोमोटिव डिटैच हुआ है, अभी 7 वाली लाइन से जाएगा वाई टर्न टेबल पे या वाई टर्न मैकेनिज़म पे, वहाँ से अपना रुख तब्दील करेगा और फिर इधर आके लगेगा। तो इस पूरी एक्टिविटी में तकरीबन 20 से 25 मिनट लग जाएंगे। तो चलें इस चीज़ का इंतज़ार करते हैं। और कसूर जंक्शन पे यहाँ के एक रेल फैन अबू हुरैरा भाई आए हैं बहुत सर्दी में और इतनी रात में, तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपकी मोहब्बत हमें खींच लाई। थोड़ा सा आगे आ जाएं रोशनी में, ये बताएं क्या करते हैं आप? मैं सर हमारी बिजनेस करता हूँ। बिजनेस? हाँ जी। चले माशाल्लाह। तो ये ट्रेनों का शौक कैसे हो गया? ये बस यूट्यूब ऑन करते हैं तो ऐसा सा शौक पार गया उसका, तो आपके भाई के ब्लॉग देखते हैं तो उसकी वजह से बस शौक पार गया ट्रेन का। और मेरे पापा जाते हैं कराची से लाहौर, अक्सर आते रहते हैं, वहाँ पे काम करते हैं कराची में, तो इसी वजह से ना ट्रेन का थोड़ा शौक है इसी वजह से। सही। बस सर्दी बहुत ज़्यादा है। जी सर्दी बहुत ज़्यादा है, धुएं निकल रहे हैं मुँह से जी। तो चलें अब, ज़्यादा देर बाहर नहीं खड़ा हुआ जाता, चलते हैं वापस अपनी कोच में और फिर रायवंड का इंतज़ार करते हैं। अबू हुरैरा भाई कसूर की एक बहुत ही मशहूर सौगात लेके आए हैं, ये कोई असगर स्वीट्स है और उसके अंदर से वाह, ये कसूर की एक फेमस डिश है, डिश तो नहीं मतलब स्वीट है। आप जब भी इधर आएँ, बाबा बुल्ले शाह का मज़ार है, उसके बाहर बहुत सारी शॉप्स हैं, वहाँ पे ये आपको जा बजा नज़र आएंगे। तो चलें ट्राई करते हैं इसको, क्योंकि तिलों से भरे हुए और दावत खुराक दे रहे हैं। चलें जी अंदर से ट्राई करते हैं, बहुत क्रिस्पी है और स्वीट है, मज़ेदार। चलो कसूर आने का ये फायदा तो हो गया। इस वक्त पहुंच गए हैं रायवंड जंक्शन रेलवे स्टेशन और मैं ढूंढ रहा हूँ कोई इन ड्राइव करीम उबर घर जाने के लिए, लेकिन इस टाइम पे रायवंड पर तो कोई भी गाड़ी अवेलेबल नहीं है। तो जनाब लगता है ऐसा ही है कि कोटलखपत या स्टेशन ही जाना पड़ेगा, तो चलें देखते हैं। से चले हुए अभी थोड़ी देर हो गई है और अब मैं GU20 के बहुत ही गज़बनाक हॉर्न सुनता हुआ जा रहा हूँ,
और बहुत ही रिदमिक स्टाइल में आज के जो ड्राइवर असिस्टेंट ड्राइवर साहब हैं वो हॉर्न्स बजा रहे हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है। तो अभी थोड़ी देर पहले ही मेरे कज़न का फ़ोन आया था और उसने कहा कि तुम कोट लखपत पे उतर जाओ, मैं तुम्हें पिक कर लूँगा। तो अल्लाह ताला ऐसे कज़न हर किसी को दे। तो वो इतनी धुंध में बेचारा आएगा और मुझे पिक करेगा, थैंक यू माय कज़न। तो मेरा सफ़र अभी थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगा, आई थिंक मैक्सिमम 15 मिनट में कोट लखपत पहुँच जाएंगे। अभी हो रहे हैं 12:35, तो होपफुली 12:50 तक वहाँ पहुँच जाएंगे। और जो अपना मैं फ़ाइनल रिव्यू है वो आपको आराम से पहुँच के कल सुबह अपने घर से बैठ के दूँगा, क्योंकि अभी थोड़ा इतना सफ़र करने के बाद दिमाग प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है। तो गुड बाय फ्रॉम हेयर फ्रॉम ट्रेन जर्नी, और स्टे ट्यून, कल सुबह आपको रिव्यू ज़रूर दूंगा। तो मिलते हैं, अगला शॉट अब कल सुबह का होगा। अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम 37 अप फरीद एक्सप्रेस। जी तो अब फाइनली अपने घर पहुंच चुका हूं और रिलैक्स हो गया हूं उस लंबे सफ़र के बाद। तो अब मैं आपको अपना फाइनल रिव्यू देता हूं 37 अप फरीद एक्सप्रेस के बिज़नेस क्लास का। तो बहुत अच्छा एडिशन है बिज़नेस क्लास का, जो भी ब्रांच लाइन के मुसाफिर हैं उनके लिए। सबसे पहले तो आपको बताता हूँ जो चीज़ें अच्छाइयाँ मैंने नोट की वो क्या क्या थी। सबसे पहले तो जाहिर सी बात है आपको पता ही है मैं फूड को कितना एंजॉय करता हूँ सफ़र में, तो 3 वक्त का खाना मिले और वो भी कॉम्प्लीमेंट्री, तो क्या ही बात है। तो 3 वक्त का खाना मिला है बहुत ही अच्छे तरीके से और उसको मैंने एंजॉय किया। एक सजेशन है इस हवाले से कि नाश्ते में चाय की कमी थोड़ी सी महसूस हुई तो उसको भी काइंडली ऐड किया जाए। और दूसरा ये कि डाइनिंग कार को भी प्रॉपर ऑन करें। रेल के सफ़र का मज़ा डाइनिंग कार में ही है, बंदा जाए वहाँ पर बैठे ताज़ा खाना बनवाए और खाए। तो हैदर भाई से रिक्वेस्ट है कि सर डाइनिंग कार को प्लीज़ जल्द से जल्द ओपन करें। दूसरा ये कि बिज़नेस क्लास की कोच CNR थी और जहाँ तक मुझे पता है तीनों रेक्स में CNR कोच ही यूज़ हो रही है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि बंदा जब इतने पैसे देकर जाता है और उसको कोच अच्छी मिले तो सफ़र का मैं कहता हूँ कि मज़ा दुबाला हो जाता है। तो CNR रेक्स ही रहने दें सर इसको, जब तक ये CNR कोचेस रहेंगी सफ़र कम्फर्टेबल रहेगा। और अगर खुदा न खास्ता पुरानी कोचेज आ जाएं इन फ्यूचर तो उससे थोड़ा सा एक्सपीरियंस जो है वो कम हो जाएगा मुसाफिरों का। इसके अलावा क्लीनिंग बहुत अच्छी थी बिज़नेस क्लास कोच में और बाकी कोचेज में भी, AC स्टैंडर्ड में भी मैंने देखा था कि जो क्लीनिंग कमला है वो आ रहा है और बार बार मॉपिंग कर रहा है और डस्टबिन्स को भी खाली कर रहे हैं। इसके अलावा हर थोड़ी देर बाद आके एयर फ्रेशनर का भी स्प्रे वगैरह करते हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ है। और बेडिंग भी दी जाती है और उसके बहुत ही नॉमिनल चार्जेस हैं, 250 रुपये। मैंने भी ये बेडिंग ली थी और बहुत ही आराम से सुकून से सोया था। तो अगर घर से ले जाना भूल जाते हैं कंबल तकिया चादर तो बेफिक्र रहें, आपको ट्रेन में मिल जाएगी। और आखिर में बस यही कहूँगा कि कराची से लाहौर ट्रैवल करने के लिए फरीद एक्सप्रेस शायद मोस्ट सूटेबल गाड़ी ना हो कई लोगों के लिए, लेकिन मुझे बहुत सूट करती है क्योंकि आपको पता ही है मैं एक रेल फ़ैन हूँ और मुख्तलिफ़ ब्रांच लाइंस को एक्सप्लोर करना मेरा काम है। और जब भी मैं इस लोधरा पाकपतन कसूर रायवंड ब्रांच लाइन पर जाता हूँ मैं बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करता हूँ, क्योंकि यहाँ के जो नेचुरल सीन्स हैं बहुत ही आउट क्लास होते हैं। और ख़ास तौर पे जब नई फसल लगे और लहलहा रहे हों हरे सब्जे से खेत, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त कम्बिनेशन होता है। और इस दफ़ा तो धुंध थी, मैंने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। कराची से लाहौर के अलावा जो लोग ब्रांच लाइन के शहरों के हैं जैसे कि बुरेवाला, आरिफ वाला, विहाड़ी, मेलसी, करोड़ पक्का,
और माछियाँ वाला, खुड़ियाँ खास, तो इन सब शहर के लोगों के लिए बहुत अच्छी सहूलत है। आप बिज़नेस क्लास में बुकिंग कराएं, कराची से आपको अपने शहर आना हो या अपने शहर से कराची जाना हो, बहुत ही बेहतरीन सर्विस है। और क्योंकि सिर्फ एक ही बिज़नेस क्लास कोच है, तो आप थोड़ा पहले बुकिंग करा लें ताकि आपको इसमें जगह मिल सके। और लंबे रूट पे ट्रैवल करने वाले लोग, जैसे कराची से लाहौर, लाहौर से कराची, जनाब अगर आपको ट्रेन का सफ़र कुछ नहीं कहता, मतलब अगर थोड़े ही देर सवेर हो जाए तो बेस्ट ट्रेन है ये। मतलब सर्विसेज अच्छी मिले हैं, तो बेशक 2-3 घंटे लेट हो जाए, कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये था मेरा फाइनल रिव्यू, होपफुली आपने पसंद किया होगा इस पूरे सफ़र को और फाइनल वर्ड्स को भी। इंशाल्लाह बहुत जल्द किसी नए सफ़र पे, किसी नई जगह रेल फैनिंग के साथ हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।